जय हिंद। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, HDFC बैंक में है, या फिर ICICI बैंक में है, या फिर इन तीनों बैंक के अलावा किसी और बैंक में भी है, तो भी इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो बैंक ने अलर्ट किया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, मन में कोई सवाल पर्स होगा कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप ही के टॉपिक को वीडियो बनाऊंगा। मैं हर वीडियो आप ही लोगों के टॉपिक को बनाता हूँ जो कमेंट बॉक्स से उठाता हूँ। आपको बता दो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, उसके अलावा ICICI बैंक, इन तीनों बैंक के कस्टमर को आजकल बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में यह क्या आ रहा है, KYC कराने के लिए। KYC आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जाने। KYC होता क्या है, KYC ऑनलाइन KYC के लिए आपके पास मैसेज आता है, वहां पे लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि क्लिक करिए। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, वहां पे आपसे आधार का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, इसके अलावा मोबाइल नंबर, वेरीफाई कराने के लिए OTP आएगा, बहुत सारे चीज, पैन नंबर मांगा जाएगा। सारा डिटेल्स लेने के बाद KYC के नाम पर आपके अकाउंट को तहस नहस कर दिया जाएगा। तहस नहस समझते हैं, मतलब कि बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये KYC के नाम पर जो आजकल फ्रॉड हो रहा है लगातार, अभी HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक, इनके जितने भी कस्टमर है आप देखते होंगे, अपना मैसेज बॉक्स चेक करते रहिए, नहीं गया होगा मैसेज तो जरूर जाएगा। कुछ ऐसे टीम बनाया गया है, कुछ ऐसे फ्रॉडियर ने अपना टीम बना लिया है कि इन तीनों बैंक के ग्राहक को अभी टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पर इन तीनों बैंक के ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में सबसे बड़ा बैंक इन तीनों को अभी माना जाता है और सबसे ज्यादा ग्राहक की संख्या इन्हीं तीनों बैंक में, तो इसीलिए इन तीनों बैंक के ग्राहकों को भी लगातार आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ब्रांच में जाकर शिकायत किया है और बताया है कि मेरे पास KYC के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करके अपील किया है लोगों से कि कोई भी मैसेज, किसी प्रकार का मैसेज अगर आपके पास आता है जो ये आपको लगता है कि बैंक से आया, चाहे KYC के लिए हो, किसी चीज का अपडेट के लिए हो, आधार अपडेट के लिए हो, तो आप उसे सीधा डिलीट कर दे या फिर कंप्लेन करें उसका, या फिर बैंक से संपर्क करें। उस पर क्लिक आप नहीं करें, नहीं तो आपकी जिम्मेवारी होगी, मतलब आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर कुछ भी आपका पैसा कट जाता है, आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, बैंक इसका किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बैंक अपने ऑफिशियल साइट से या फिर ऑफिशियल नंबर से आपको किसी प्रकार का मैसेज नहीं करता है। अब आइए आप, बताता हूँ आपको एक फैक्ट कि बैंक, कोई भी बैंक हो, यह तीनों बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इन तीनों बैंक की बात नहीं, किसी भी बैंक की बात बोल रहा हूं, कोई भी बैंक आपसे अपने ग्राहक से डायरेक्ट संपर्क नहीं करता है। चाहे वो आपसे OTP लेने के लिए हो, चाहे आपका KYC के लिए हो, चाहे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स के लिए हो, चाहे किसी प्रकार के अपडेट के लिए हो, बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता है, ना कोई मैसेज करता है, ना किसी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करता है। बैंक कभी भी आपको मैसेज देगा भी, किसी काम के लिए मैसेज देगा भी, तो वो ब्रांच में आने के लिए आपको मैसेज देगा कि इस काम के लिए आपको ब्रांच पहुंचना है, और वहां जाने के बाद आपका कार्यक्रम शुरू होगा, यानी कि जो काम करना है वो काम शुरू होगा, चाहे किसी KYC का काम हो, अपडेट का काम हो, या फिर किसी प्रकार का किसी चीज का काम। बैंक ऑनलाइन बिना आपको बुलाए ऑनलाइन आपका ना KYC करता है, ना कोई चीज अपडेट करता है, ना मोबाइल नंबर अपडेट करता है, ना वो OTP मांगता है। अगर आप ऐसा करते हैं किसी बैंक का साथ, समझिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये बैंक का कोई भी कर्मचारी आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, तो इस चीज को समझ लीजिए, यही नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो ये पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन हाल ही में अभी मैसेज जा रहा है गलती से भी। अब जो लोग जानते हो तो जानते ही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नए लोग हैं, जिनका नया खाता खुला है, उन लोगों को पता नहीं होता है, एक्साइटेड में लिंक पर क्लिक कर देते हैं और वहां पे डिटेल्स वगैरह कुछ भर देते हैं, इसके वजह से उनको दिक्कत आ जाती है। बहुत मेहनत से सालों की गाढ़ी कमाई जो होती है वो एक पल में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर रिकवरी का नौबत भी आता है तो उसको इतनी परेशानी होती है, बैंक दौड़ते 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 थक जाता है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रॉडिये जो होते हैं वो इतना हिसाब से और इतना शातिर तरीके से आपका पैसा गायब करता है कि आप उस पैसे की रिकवरी कर ही नहीं सकते। आप क्या, आज तक बैंक भी रिकवरी नहीं कर पाया। तो आपके जानकारी के लिए बता दो कि आपके पास किसी बैंक का अकाउंट है तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, मैसेज पे ध्यान नहीं दें, इस तरह के मैसेज पे ध्यान नहीं दें। कोई भी बैंक की तरफ से मैसेज आता है उसे पढ़ें, आपको लगे, आपको डाउट लगे, या फिर लगे कि नहीं मुझे
बैंक जाना चाहिए या फिर ये काम होना चाहिए, मुझे अपडेट के लिए मैसेज आया, केवाईसी के लिए मैसेज आया, तो जब भी आपको टाइम मिले पहले अपने ब्रांच में जाकर संपर्क करें, बैंक में जाकर संपर्क करें और वहां पूछे कि ये मैसेज आया है क्या, मैं इस पर अपडेट कर सकता हूँ ऑनलाइन, या फिर आप यहाँ से करेंगे, अगर गलत होगा तो वो बता देंगे कि नहीं ये फ्रॉड है, गलत है, गलत नहीं होगा तो वो वहीं से करेंगे, लेकिन ऑनलाइन वो नहीं करेंगे, ऑनलाइन करना भी होगा तो वो खुद करेंगे, आपके मोबाइल से लिंक पे क्लिक करवा के वो नहीं करवाएंगे। दोस्तों कोई भी किसी प्रकार का बैंक से संबंधित अपडेट आता है, किसी प्रकार का फ्रॉड से संबंधित हो या फिर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नई जानकारी आता है, तो मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूँ। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक यही रहेगा, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, लोन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक को वीडियो बनाता हूँ, आपको वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे आपके टॉपिक पर वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी होगी इसके प्रति और लोग जागरूक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।